हम लोग सुने उसके पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार का मामला देश भर में चल रहा है ईडी और सीबीआई का, और उसमें आरोपित है तो ये बता सरकार दें के क्या मामला है। मानिए मानिए नेता प्रतिपक्ष बैठिए, आप माननीय मंत्री देखिए, ये इसी कारण से आपको समय नहीं दिया जाता। माननीय, अब सरकार के उत्तर हो रहा है। माननीय सदस्य, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे तेजस्वी जी बैठ जाइए, आप पहले ईडी और सीबीआई आपके ऊपर क्यों छापेमारी कर रही है, ये पूरा मामला क्या है, इस पर अपनी स्पष्टीकरण दीजिए, इस पर अपनी सफाई दीजिए, ना कि आप पथ निर्माण को लेकर के बातें कहिए। ये सारी बयाने जो है वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का कहना है। दरअसल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगातार महागठबंधन सरकार पर भाजपा हमलावर होती नजर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरती नजर आ रही है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसती नजर आ रही है। और इस बीच जब तेजस्वी यादव खड़े होकर के पथ निर्माण विभाग को लेकर बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने पथ निर्माण को लेकर बिहार में क्या कुछ किया है, उस वक्त टपाक से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे बैठ जाइए, आप तो पहले ईडी सीबीआई का मसला सुलझाइए, ईडी सीबीआई आपके पीछे क्यों पड़ी है, ये पूरा मामला क्या है, आपके परिवार से क्यों पूछताछ हो रहा है, आपके घर पर क्यों छापेमारी हो रही है, आपको ईडी सीबीआई क्यों समन भेज रही है, इस पर अपनी स्पष्टीकरण दीजिए, इस पर जवाब दीजिए, ना कि अपने पथ निर्माण विभाग को लेकर के आप बातें कहिए। तो देखिए बिहार विधानसभा के बजट सत्र में किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आमने सामने हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जवाब तलब करने लगते हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है बिहार विधानसभा से, आपको छोड़े जाती हूं तमाम तस्वीरों के साथ। अरे आप लोग सुनिए, बैठिए बैठिए, आराम से सुनिए, सरकार का उत्तर होगा। सरकार को मैंने विभागीय मंत्री खड़े हो गए हैं, क्या कहिए ना अध्यक्ष महोदय, बनाए रखिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम लोग सुने उसके पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार का मामला देश भर में चल रहा है ईडी और सीबीआई का, और उसमें आरोपित है तो ये बता सरकार के क्या मामला है। मानिए मानिए नेता प्रतिपक्ष बैठिए, आप माननीय मंत्री देखिए, इसी कारण से आपको समय नहीं दिया जाता। माननीय, अब सरकार के उत्तर हो रहा है। माननीय सदस्य, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सरकार के उत्तर, अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर, पथ निर्माण विभाग के बजट पर वाद विवाद ने, अब आप लोग शांत रहिए, सदस्यों ने